वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों आज मेरे पास एक 32 इंच की एलईडी टीवी आई है और उसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें जो डिस्प्ले है ग्राफिक्स नहीं बन रहे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इसको हमने किस तरीके से रिपेयर करना है। और अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग या फिर एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से जुड़िए। आज का हुनर सीखेंगे तो आप 1000 रुपए से 2000 रुपए प्रतिदिन कमा सकते हैं। और हैंड स्किल आना बहुत जरूरी है। आपको जो पढ़ाई करनी है अब इस सब्जेक्ट में पढ़ना है ताकि आप अपने लिए अच्छे इनकम कर सकें। आप देखेंगे जरा जरा से टाके लगाने से या कुछ कंपोनेंट बदलने से डिवाइस ओके हो जाती है। और आप भी जानते हैं हमारे होम अप्लायंसेस घर में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे हमारे घरों के अंदर हमारी जो बहुत सारी पावर सप्लाइयां होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। अगर आप उनको रिपेयर करेंगे तो आप अपने लिए अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास एक टीवी आई हुई है और आज मैं आपको इसको दिखाऊंगा कि इसको हमने कैसे रिपेयर करना है। हालांकि इसको मैं पहले ही ट्रबल शूट कर चुका हूँ क्योंकि अगर मैं पूरी वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्टकट में मैं दिखाऊंगा आपको इसको कैसे हमने रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जब मैं इसको पावर से कनेक्ट करता हूँ तो ये पैनल केवल ब्लू आने वाला है। देखेंगे यहाँ पे बैकलाइट जल गई है, आप देख सकते हैं लाइट जल गई है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इसका जो स्कैलर बोर्ड है उसके अंदर VGS बोर्ड नहीं बन रही जो कि 23-24 बोर्ड के आसपास होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो दूसरी टीवी का एक स्कैलर बोर्ड है इसको यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा। बहुत इजी है कनेक्शन, मैं अभी आपको पॉइंट दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको अपने एक टीवी में कनेक्ट करेंगे और हमारा जो ग्राफिक्स है। देखेंगे अभी भी यहाँ पे बैकलाइट जल रही है पर यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमने इसको कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा ये 32 इंच का पैनल है 12 वोल्ट की सप्लाई में ऑपरेट होता है। तो सबसे पहला काम मैं करूंगा जो मेरा ये स्केलर है यानी कि जो पैनल का स्केलर है उसके फ्यूज पे 12 वोल्ट आ रही है, 12 वोल्ट मैं इसको दूंगा, ग्राउंड दूंगा तो ये भी मेरा ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद ये सारी सप्लाइयां बनाएगा लेकिन मैंने केवल VGS वोल्टेज का जम्पर अपने स्केलर में देना है जो कि 23 वोल्ट या 24 वोल्ट के आसपास होगा तो मेरा ग्राफिक्स आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं इसको बंद कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे टीवी बंद हो गई है और यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका जो LVDS कनेक्टर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस LVDS कनेक्टर को मैं निकालता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कहाँ पे हमने जम्पर मारना है। देखिए सबसे पहले इसको दबा के इस कनेक्टर को हमने निकाल लेना है। इसको LVDS बोलते हैं यानी कि लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नल। अब देखिए समस्या यह है कि जो हमारा ये मेन स्केलर है वो वोल्टेज नहीं बना रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे अलग से इस कार्ड को रखने वाला हूँ। तो देखिए इस पैनल में देखेंगे जब हमारा LVDS केबल लगता है तो 12 वोल्ट आता है पैनल को चलाने के लिए, तो वही 12 वोल्ट मैं इसको भी देने वाला हूँ। उससे होगा क्या कि ये स्केलर ऑन हो जाएगा और जो जो वोल्टेज बनती हैं वो इसमें भी बन रही है लेकिन केवल एक सप्लाई ना बनने की वजह से मेरा ग्राफिक्स नहीं आ रहा। केवल जम्पर दूंगा टीवी ठीक हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं 32 इंच का पैनल है तो अगर ये कस्टमर नया डलाता है तो 7-8 हज़ार रुपये से कम का नहीं डलेगा। केवल एक जम्पर मारने से 2500-3000 रुपये कस्टमर आराम से देगा। तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ मेरा VGL कनेक्शन कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे है, जूम करके दिखाएं आप इसे। यहाँ पे स्केलर बोर्ड यहाँ पे पॉइंट में लिखा रहता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा होगा VGH लिखा है। साफ करके और जूम करके दिखाओ आप। देखेंगे यहाँ पे लिखा है VGH, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके दिखाएं। देखेंगे यहाँ पे लिखा है VGH तो इस पॉइंट पे हमारी वोल्टेज नहीं आ रही है। तो जैसे ही मैं इस स्केलर बोर्ड में देखेंगे यहाँ पे भी हमारा VGH लिखा होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। देखेंगे ये रहा पॉइंट, देखेंगे यहाँ पे भी लिखा है VGH उल्टा। देखेंगे यहाँ से घुमा के दिखाता हूँ आपको, देखेंगे यहाँ पे भी लिखा है हमारा स्केलर में, देखेंगे यहाँ पे हमारा VGH लिखा हुआ है। तो इस कैपेसिटर से मैं जम्पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं स्केलर की फोटो आपको दिखा देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे जो 12 वोल्ट का कनेक्शन आता है इसको दूंगा। देखेंगे यहाँ पे फ्यूज था यहाँ पे, तो अब आप देख करिए हमने इसको कैसे रिपेयर करना है। तो इसके लिए आपने कुछ इस तरीके की जम्पर वायर लेनी है और सबसे पहले मैं इसके लिए सप्लाई के लिए बना देता हूँ 12 वोल्ट के लिए। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं जम्पर लगा देता हूँ एक।
यहाँ पे जो हमारा फ्यूज होता है, जैसे कि आपको पता है स्केलर में 12 वोल्ट आती है एलवीडीएस केबल से, तो ये मैंने लगा दिया। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप बढ़िया करके जूम करके दिखाएं। ये मेरी मेन स्केलर है जो मेरी पीसीबी से जुड़ा हुआ है, यानी कि मेरे पैनल। तो देखेंगे, यहाँ से मैं वायर को कट कर लेता हूँ और एक जम्पर मैं इस स्केलर में जो 12 वोल्ट का फ्यूज लगा होता है वहां पे दूंगा। तो आप देखेंगे इसे यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे मैंने फ्यूज ओपन कर दिया है, यानी कि जो कनेक्टर की तरफ से जो 12 वोल्ट आनी थी वो कट कर दिया है और ये 12 वोल्ट मेरे पैनल में चलेगी। दूसरा जम्पर मैं इसको ग्राउंड ले दूंगा, तो यहाँ पे मैंने एक वायर लगा रखी है, देखेंगे ग्राउंड की है। अब जो मेन जम्पर है वीजीएच का, मैं भी आपको वहां पे वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा। देखेंगे यहाँ पे जो वीजीएच का है वो ये पॉइंट है, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस तरीके के रिपेयरिंग सीखते हैं तो आप अपने लिए अच्छी इनकम कर सकते हैं। गारंटी देता हूं कि आप 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं, क्योंकि देखिए इस केस में अगर कस्टमर को पैनल चेंज करना पड़े तो वो काफ़ी कॉस्टली है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जूम करके दिखाएं, एक तो आप यहाँ पर जूम करके दिखाएं, देखेंगे यहाँ पर वीजीएच जहाँ पर लिखा था वहीं पर मैंने कैपेसिटर पे एक जम्पर मार दिया है। और इसको भी थोड़ा सा लंबा कट करता हूँ वायर को, और इसको मैं अपने जो पैनल के साथ स्केलर है उसमें जो वीजीएच का पॉइंट है वहाँ पे जम्पर दूंगा। और मैं आपको चलती टीवी में ये जम्पर को हटा के दिखाऊंगा ताकि आपको एक कंफर्मेशन मिले कि वाकई में मैंने इसी पॉइंट का जम्पर दिया है। देखिए ये रहा वीजीएच, देखिए आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा कि मैंने ऊपर वाले स्केलर से नीचे वाले स्केलर पे वीजीएच का जम्पर दे दिया है। और इस पॉइंट पे मैं आपको वोल्टेज को भी चेक करके दिखाऊंगा, ये वोल्टेज मिसिंग होने के कारण पैनल नहीं चल रहा था। अब देखेंगे यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इसको ग्राउंड पे सोल्ड कर देता हूँ। देखिए इसको मैं देखेंगे स्केलर पे ग्राउंड पे लगा देता हूँ और ये कन्फर्मेशन लूँगा कि मेरा ये ग्राउंड प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि उसी के बाद मेरा सिस्टम काम करेगा। तो अभी मैं कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के देखूंगा कि स्केलर को ग्राउंड मिला। तो अब मैं इसका जो एलवीडीएस केबल था उसको लगा देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने एलवीडीएस केबल लगा लिया है और अब मैं इसको कंफर्मेशन लूंगा कि मेरा ग्राउंड आ गया। बिल्कुल ग्राउंड मेरा आ गया। तो अब मैं इसमें चालू करूंगा अपने पैनल को और देखेंगे कि क्या मेरा ग्राफिक बना। तो देखिए मैंने टीवी चालू कर ली है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है। अभी मैं वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा आपको और अब मैं इसमें सप्लाई को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे थोड़ी देर पहले यहाँ पे केवल ये प्लेन था और ये देखेंगे मेरा बैकलाइट जल गया है और साथ के साथ अब देखेंगे इसमें ग्राफिक भी आएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ए बी लिख के आ गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेरा वीजीएच का पोल था वहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही थी वो मैं आपको चेक कराता हूँ। और आपको ये देखेंगे यहाँ पे नो सिग्नल लिख के आ रहा है और मैं इसका मीनू का बटन या कोई दबा लेता हूँ ताकि आप इसके फंक्शन को देख सकें। ये तो पावर ऑफ हो गया, दोबारा पावर ऑन करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर पावर ऑन हो गया है और इसके बाद देखेंगे ये भी आ गया है। ये देखेंगे ग्राफ कलर आ रहे हैं। अब मैं आपको उसके वोल्टेज चेक कराता हूँ, आप मल्टीमीटर पे भी ध्यान दें। देखेंगे मल्टीमीटर का एक तार मैंने ग्राउंड पे रख लिया है, जो ये वाला पोल है आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 12 वोल्ट मिलेंगे। इसको मैं वोल्टेज रेंज पे रख लेता हूँ, 20 से ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि वीजीएच ज़्यादा है वोल्टेज। देखेंगे यहाँ पे मेरा पैनल का वोल्टेज बन रहा है 12 वोल्ट और आप देखेंगे जो मेरा वीजीएच वाला है इस पर वोल्टेज का लेवल देखें यहाँ पे करीब, जैसे कि मैंने बताया 24 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, 27 वोल्ट आ रहा है देख सकते हैं। और मैं चलते में ये सप्लाई को निकाल देता हूँ और आपको ये दिखाऊंगा कि वास्तव में इस वोल्टेज के ना बनने से मेरे ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं ये बटन दबा लेता हूँ और चलती लाइन में मैं इसको हटा लेता हूँ। देखेंगे ये फ्रीज हो गया, आप देखेंगे ये फ्रीज हो गया पैनल, धीरे धीरे अब ये जा रहा है। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे मेरा इसमें तो 23 वोल्ट बन रहा है, 27 वोल्ट बन रहा है वीजीएच में। देखेंगे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको,
देखेंगे यहाँ पे तो मेरा ये 27 वोल्ट बन रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा 27 वोल्ट बनना चाहिए वो नहीं बन रहा देखेंगे। अब पैनल में देखेंगे डबल इस तरीके के इमेज आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पैनल में नो सिग्नल लिख के आ रहा है और ये ग्राफिक्स नहीं है। देखिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, टीवी बंद हो गया है, दोबारा प्लग कर दिया मैंने और अभी आप देखेंगे कोई ग्राफिक्स नहीं बनेगा इसके अंदर, केवल छोटा सा जुगाड़ जो पैनल टूट जाते हैं उनके ये स्केलर हमें संभाल के रखने हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे चित्र नहीं आएगा चाहे कितनी देर भी मैं इसको ऑन रखूँगा, लेकिन जैसे ही मैं ये सप्लाई दूंगा तो मेरा ये चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप टेक्निकल स्किल सीखिए और आप अपने लिए अच्छी इनकम कीजिए। देखिए यहाँ पे कोई ग्राफिक नहीं आ रहा, ऊपर से एक बार दिखा दें हम, कोई भी ग्राफिक नहीं आ रहा इसके अंदर, लेकिन जैसे ही मैं जम्पर दूंगा, अभी मैं बंद करके चालू करता हूँ, देखेंगे और जम्पर आपने ध्यान से लगाने हैं। इसमें और भी कोई सप्लाई मिस हो या किसी और टीवी में सप्लाई मिस हो तो आप इस तरीके से दूसरे स्केलर से अपनी टीवी को रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने लगा दिया है और मेरा ग्राफिक 100% आएगा, देखेंगे अभी ये प्लेन है और देखिए यहाँ पे भी ये देखेंगे टीवी वाला मूड आ गया है और मैं यहाँ से बटन दबाता हूँ, देखेंगे फर्स्ट क्लास मेरा बन गया। अब हम इसको पैक कर लेंगे। इस तरीके से आपने देखा हमने कितने आसान तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर किया, चाहे वो कोई सी भी हो, लैपटॉप प्रिंटर मोबाइल। तो आप मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं मेरी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं शिवाय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसमें मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों दूंगा, जिसमें बेसिक टू एडवांस रहेगा। और बिगनर स्टूडेंट के लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इसमें आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइए पूरा वीडियो देखने। थैंक यू, धन्यवाद।